आज हम लोग धर्म को पढ़ेंगे और इसमें धर्म के अंतर्गत पहले तो आप लिखिए सिलेबस, पहले पाठ्यक्रम लिख लीजिए और पहला जो टॉपिक है ये है धर्म का, धर्म के अध्ययन का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण, धर्म के अध्ययन का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारे सिलेबस में तीन चीज़ें दिया हुआ है। पहला, विकासवादी, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक और तीसरा प्रकार्यात्मक, राइट। इसमें जो स्टेट पीसीएस है बिहार, बिहार लोक सेवा आयोग, तो उसमें धर्म के ये दो चीज़ें पर ही फोकस किया है सिलेबस में। विकासवादी के अंतर्गत हम लोग तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, एक जीववाद या आत्मावाद दूसरा जीवित सत्तावाद, इसको बोलते हैं एनी मैटिज्म और इसको बोलते हैं एनिमिज्म। बिहार में यही सिलेबस दिया हुआ है कि धर्म के अंतर्गत हम लोग एक तो आत्मावाद को पढ़ेंगे, जीववाद को पढ़ेंगे और दूसरा जीवित सत्तावाद को पढ़ेंगे। लेकिन अब भी जो बिहार में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खासकर 60-62 में, तो इसके अंतर्गत आप ये भी देख लेंगे क्योंकि वो यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन को लिखता है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि धर्म के अध्ययन का और भी कई दृष्टिकोण है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप केवल ये पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन पूछ दिया धर्म के अध्ययन का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण, तो फिर उसमें जो लोग बिहार दे रहे हैं उनको परेशानी हो जाएगी। यूपीएससी में हम विकासवादी के अंतर्गत एक और पढ़ते हैं कि धर्म का उद्विकास जादू से हुआ है। राइट। तो कुल मिला के धर्म का जो मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत पांच चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। पांच इंपॉर्टेंट चीज को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावे धर्म के अंतर्गत आपको पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एकेश्वरवाद, एवं बहुदेवाद, दूसरा पावन एवं अपावन या पवित्र और अपवित्र, हाँ, और तीसरा मिथ एंड रिचुअल। मिथ का हिंदी मिथक होता है और रिचुअल का कर्मकांड, है ना। एक तरह से अंग्रेजी वाले सिलेबस को तो देख ही लीजिएगा, हाँ ये दिए हुए है, टर्म आपको दिया हुआ है। तीनों में नहीं, ये अलग से भी टॉपिक है, यानी कि जो मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे उसके अलावे हमें ये तीन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना,
राइट। इसके साथ साथ आपको फिर पढ़ना है कि जनजातीय एवं कृषक समाजों में धर्म के स्वरूप, ये बिहार में नहीं है बट सिलेबस से में नहीं है किंतु बिहार में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के जनजातियों में धर्म के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो आगे जो टॉपिक है कि जनजातीय एवं कृषक समाजों में धर्म का स्वरूप, तो इसके अंतर्गत फिर ये रिपीट होगा जिसमें आपको पढ़ना है आत्मावाद या जीववाद, दूसरा जीवित सत्तावाद, तीसरा प्रकृतिवाद, चौथा फिटिशवाद और पांचवा टोटमवाद, राइट। अब इसमें बिहार में टोटमवाद सिलेबस है आपका, यूपीएससी में ये टोटल पढ़ना है, वो फिर रिपीट हो रहा। जीववाद, जीवित सत्तावाद बिहार में अलग से लिखा हुआ है और फिर उसमें टोटमवाद पढ़ना है, यूपीएससी में सब पढ़ना है, राइट। नहीं, सिलेबस अभी हम सिलेबस को डिफाइन कर रहे हैं, तो यूपीएससी में ये सब पढ़ना है आपको। बिहार के जो लोग हैं, जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं, उनको टोटमवाद ही दिया हुआ है। इसके अलावा यूपीएससी में पढ़ना है हमें धर्म एवं जादू में अंतर, या धर्म एवं जादू के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करना है, ये बिहार के सिलेबस में भी है, राइट। और जादू एवं विज्ञान, और इसके अलावा एक टॉपिक है धार्मिक जादुई कार्यकर्ता, धार्मिक जादुई कार्यकर्ता, राइट। यानी ये एक बड़ा टॉपिक है, और बड़ा टॉपिक है तो इन सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस को ध्यान में रखिए। अभी धार्मिक जादुई कार्यकर्ता है, इसमें हमारे सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है पुरोहित, दूसरा है समन, तीसरा है जादूगर, इसको सोर्सर बोलते हैं जो जादू का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, और फिर एक है विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट को बोलते हैं डायन कर्म, है ना, डायन कर्म। तो इतने चीज़ों को पढ़ना है हम लोग को, रिलीजियस मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, और इसमें पुरोहित, समन, जादूगर, विचक्राफ्ट। राइट, ये सिलेबस है। तो इससे प्रत्येक सिलेबस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है धर्म के अध्ययन का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण, लेकिन धर्म के अध्ययन के मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण पढ़ने से पहले हम ये देखें कि धर्म क्या है, है ना, व्हाट इज रिलीजन। और हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब हमें
एंथ्रोपोलॉजी में कुछ भी पढ़ते हैं और क्वेश्चन अगर हमें पूछता है कि आत्मावाद या जीवित सत्तावाद या धर्म या जादू में अंतर, तो आपको धर्म क्या है ये डिफाइन करके ही आंसर लिखना है, ये ध्यान में रखना है। या धर्म का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण पर क्वेश्चन पूछता है कि धर्म के मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना करें, तो सबसे पहले हमें धर्म क्या है ये लिखना पड़ेगा, राइट। और ये धर्म जो विषय है, ये धर्म लगभग अधिकांश सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ये बात ध्यान में रखना है कि सोशल साइंस के जितने भी विषय मेजर विषय हैं, जिसमें इतिहास, समाजशास्त्र, फिलॉसफी, इसमें भी धर्म को पढ़ते हैं। और मानवशास्त्र में जो धर्म को पढ़ते हैं और इन विषयों में धर्म को पढ़ते हैं, उसमें अंतर होता है। इसलिए धर्म को पढ़ने के दौरान जो मानवशास्त्र है, इस मानवशास्त्र के अंतर्गत मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप धर्म को जो परिभाषित किया गया है उसको पढ़ना, राइट। और जब रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन जब भी आप पढ़ते हैं तो दो चीज़ ध्यान में रखना है कि धर्म अलौकिक सत्ता के प्रति, अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था है, विश्वास है। और अलौकिक सत्ता के प्रति दो चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है कि एक है विश्वास और दूसरा इसमें है कर्मकांड। किसी भी धर्म का अगर आप अध्ययन करने जाते हैं, तो धर्म में दो चीज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट है, एक है विश्वास, है ना, विश्वास है ईश्वर के प्रति हम लोग का। किसी भी धार्मिक समूह से जब आप बात करेंगे, तो हम विश्वास करते हैं गॉड में, गॉडेस में विश्वास करते हैं। इसलिए कभी भी धर्म और ईश्वर के बारे में अगर प्रमाण की बात की जाती है, तो ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये विश्वास है। और इस दो चीज़ के अंतर्गत जो विश्वास है, ये हमें धर्म का सैद्धांतिक पक्ष प्रदान करता है, सैद्धांतिक पक्ष, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, राइट। और कर्मकांड जो है धर्म का व्यवहारिक पक्ष प्रदान करता है। जैसे हमने आपको बताया कि अलग से भी रिचुअल हमारे पास धर्म यूज किया गया है, अलग से भी रिचुअल पढ़ना। और एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, राइट्स डी पैसेज, राइट डी पैसेज, ये राइट डी पैसेज का मतलब होता है जीवन यात्रा संस्कार। एक चीज़ हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि जब हम धर्म को पढ़ने जाते हैं, तो जैसा हमने कहा कि विश्वास प्रणाली है और इसके साथ कर्मकांड जुड़ा रहता है, लेकिन जिससे भी समाज के धर्म का अध्ययन करते हैं, उस समाज के लोगों के कुछ ऐसे संस्कार हैं, कुछ ऐसे कर्मकांड हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं। किसी भी धर्म का आप अध्ययन करेंगे, किसी भी धर्म को मानने वाले सामाजिक समूह का अध्ययन करेंगे, तो जन्म से संबंध, बच्चे का जन्म होता है और हम लोग छठी करते हैं, तो जन्म से संबंधित संस्कार दुनिया के अधिकांश धर्म के लोगों में जीवन यात्रा संस्कार है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से विवाह है ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं
जो विवाह के पूर्व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण भी रखते हैं और ये भी दृष्टिकोण रखते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं कर्मकांड को नहीं मानता, लेकिन जब आप विवाह करने जाते हैं तो क्या करते हैं? जब विवाह करने जाते हैं तो करते क्या हैं? आप कर्मकांड ही तो करते हैं क्या? विवाह जब करने आप जाइएगा तो सबसे पहले तो आपको धर्म से ही शुरुआत होती है विवाह की। तो विवाह जो है हमारे समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन यात्रा संस्कार है, और इसलिए विवाह को कभी भी आप केवल सामाजिक व्यवहार के रूप में नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि विवाह जो है कई धार्मिक कर्मकांडों को करने के लिए हमें क्वालिफाइड करता है। ध्यान ये रखना कि जैसे हिंदू समाज में अगर आप यज्ञ करने जाते हैं, राइट, तो यज्ञ करने के लिए विवाहित होना आवश्यक है, क्योंकि विवाह के पूर्व जो है आप समाज का पूर्ण सदस्य नहीं है, राइट। और इसलिए जब विवाह होती है तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता है कि हम ये नहीं करेंगे, है ना। विवाह के पूर्व हम क्या करते हैं कि हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, पुरोहित को नहीं मानते हैं, लेकिन विवाह करने जाते हैं तो अब जो पंडित जी कहते हैं कि आप ये मंत्र उच्चारण कीजिए, और भले आपको सुनाई दे या नहीं दे कि पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, आप मुंह में ही उसको गुनगुना देते हैं, राइट। होता है ना, होगी तो आपको महसूस होगी, जैसे आप वाच करेंगे कि जो बोलते हैं, जो मंत्रोच्चारण करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मंत्र पता नहीं चलता है, ठीक है, वो बोलते भी शुद्ध नहीं है तो लेकिन आप उसको रिपीट करते हैं। तो ये कर्म कांड जो है या जो धर्म है जो मानव शास्त्र में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मानव शास्त्र में हम होलिस्टिक के लिए पढ़ते हैं, होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ते हैं, तो यहाँ धर्म जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म का हमारे जो जीवन है, इस जीवन के अंतर्गत अन्य जो पहलू है जीवन के, उससे धर्म का गहन अंतः संबंध है। इसलिए कोई भी अगर व्यक्ति ये बात करता है कि हम धर्म के प्रति बहुत आस्थावान नहीं हैं, तो वो पूर्ण सत्य नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो धर्म का जो आप रूप देखेंगे, जो ये जीवन यात्रा संस्कार है, मृतक संस्कार। अब आप ये बताइए कि मृतक संस्कार दुनिया में आप कितना भी एडवांस क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उस व्यक्ति की मृतक संस्कार जो है उसके धार्मिक संस्कार के अनुरूप किया जा रहा, ये बात ध्यान में रखिए। कोई भी व्यक्ति जब डेथ करता है तो डेथ से संबंधित हमारा जो रिचुअल्स है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट ही है, मान लो आतंकवादी है, राइट, और आतंकवादी मारा जाता है और उसके परिवार के लोग उसके डेड बॉडी को नहीं लेते, तो फिर सरकार उसकी व्यवस्था करती है कि उसका मृतक संस्कार उसके धार्मिक संस्कार के अनुरूप किया जाए, राइट। यानी कि मृत्यु के बाद का जो संस्कार है वो अभी धर्म के अनुरूप हो रहा। धर्म का आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो कहाँ से आया है, वो तो पता चल जाता है, किस आतंकवादी ग्रुप से है, और धर्म का आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाता है तो उसको उसके धर्म के अनुरूप ही हम लोग उसका मृतक संस्कार करते हैं। हाँ, ये एक आपका प्रश्न है कि उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो जनरली टेररिस्ट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खास से समूह के लोग ही हैं, और कोई ना कोई प्रतीक रहता है, कोई ना कोई
वो सिंबल अपने साथ लेके रहता है, जिन प्रतीकों के माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वह एक पार्टिकुलर धर्म से संबंधित है। लेकिन मृत्यु होगी तो फिर उसी के अनुरूप उसको किया जाएगा। इसलिए कभी भी आप धर्म को बहुत मतलब सीमित दायरे में नहीं समझें, ये बहुत ही ब्रॉड है, जिसके साथ हमारा सामाजिक जो व्यवस्था है वो गहन रूप से अंतर संबंधित है, राइट? तो पहला धर्म क्या है आप लिखिए दो लाइन में। अलौकिक सत्ता का मतलब होता है सुपर नेचुरल, गॉड की बात कर रहे हैं। राइट? अलौकिक सत्ता दिखता नहीं है, अलौकिक सत्ता अमूर्त होता है जो दिखता नहीं है, राइट? लेकिन जो दिखता नहीं है वो अलौकिक सत्ता है, ऐसा नहीं है, है ना? जैसे एयर जो अभी है हमारे रूम में, एयर है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अलौकिक सत्ता नहीं है वो एयर, है ना? इसलिए अलौकिक सत्ता का मतलब क्या है कि सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल में आस्था। और जो आस्था होती है उसमें दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक कोई भी धर्म आप पढ़ने जाइएगा, जैसे हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ने जाइए, तो पहले आप एक उसके सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़िए और फिर उसके व्यवहारिक पार्ट को पढ़िए, और तब जाकर के आप धर्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट? तो पहला लिखिए धर्म, धर्म क्या है यानी धर्म की परिभाषा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको कि धर्म को परिभाषित करें, राइट? सामान्यतः धर्म को अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास एवं कर्मकांड के रूप में परिभाषित किया जाता है। अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास एवं कर्मकांड के रूप में परिभाषित किया जाता है। एडवर्ड बर्नेट टाइलर ने अपनी प्रमुख कृति प्रिमिटिव कल्चर 1871 में धर्म को परिभाषित करते हुए विचार व्यक्त किया है कि धर्म आत्मा में विश्वास है अथवा जीवात्मा में विश्वास को धर्म कहते हैं। जीव में जो आत्मा है स्पिरिट में जो विश्वास है उसको वो धर्म कहते हैं। जबकि इमाइल दुर्खिम हिंदी में दुर्खिम होता है, अंग्रेजी में दुर्खाइम लिखते हैं। इमाइल दुर्खिम ने धर्म को परिभाषित करते हुए विचार व्यक्त किया है कि धर्म को परिभाषित करते हुए विचार व्यक्त किया है कि धर्म विश्वासों एवं कर्मकांडों की एकीकृत व्यवस्था है। धर्म विश्वासों एवं कर्मकांडों की एकीकृत व्यवस्था है।
है ना, एवं कर्मकांडों की एकीकृत व्यवस्था है। इसको फिर दुर्खिम ने डिफाइन भी किया है, जब आप धर्म क्या है लिखने जाएंगे तो एक्स्ट्रा उसका एक्सप्लेनेशन जो दुर्खिम ने दिया है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन धर्म का याद रखेंगे, और जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म क्या है, धर्म को परिभाषित करें, तो आप इसके माध्यम से अपनी चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये जनरली पूछा जाएगा जब भी, तो धर्म को परिभाषित करें, या धर्म क्या है, या धर्म से क्या समझते हैं, है ना। तो आप अपने क्वेश्चन को इसके माध्यम से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है वो है धर्म के अध्ययन का मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण। और इस धर्म के अध्ययन का जो मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण है उसमें पहला जो है उद विकासवादी दृष्टिकोण, उद विकासवादी दृष्टिकोण और इसके अंतर्गत तीन प्रमुख के सिद्धांत हैं। एक है आत्मावाद / जीववाद, अंग्रेजी में एनिमिज्म, और इसका डेवलपमेंट किया है ईबी टायलर ने। दूसरा है जीवित सत्तावाद, या एनिमेटिज्म। इसको डेवलप किया है आर मेरिट ने, आर मेरिट। और तीसरा है धर्म का उद्भव जादू से हुआ है, इसको डेवलप किया है जेम्स फ्रेजर ने। तो फर्स्ट राउंड में आप ये तीन चीज़ को याद रखिएगा। इसमें दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो आत्मावाद जीववाद और दूसरा जीवित सत्तावाद। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, खास करके जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं, कि बिहार में टर्म बड़ा डिफरेंट यूज कर देता है। जैसे इसके लिए प्राणवाद भी यूज कर देता है, प्राणवाद, राइट। और इसके लिए प्राणवाद यूज कर देता है, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर एक के आकार आपने नहीं देखा तो पूछा है प्राणवाद लिख क्या है, प्राणवाद। इसलिए आप उसका इंग्लिश जो वर्सन है वो ज़रूर देखिएगा। यूपीएससी में भी आपको इंग्लिश वर्सन को देखना है। अब यहाँ से ध्यान ये रखिए कि उद्विकासवादी जो दृष्टिकोण है, उस उद्विकासवादी दृष्टिकोण को सबसे पहले ईबी टायलर, राइट, एडवर्ड वर्नेट टायलर। और एडवर्ड वर्नेट टायलर जो हैं ये 1871 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखते हैं प्रिमिटिव कल्चर, और इसमें ये धर्म की मानवशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईबी टायलर पहला मानवशास्त्री हैं जो धर्म का मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इसके पहले जो मानवशास्त्र था, मानवशास्त्रीय जो अध्ययन था, उसमें कोई विशेष स्पेसिफिक धर्म का अध्ययन नहीं किया गया था।
ये बात ध्यान में रखिए कि रिलीजन का अध्ययन इसके पहले एंथ्रोपोलॉजी में बहुत स्पेसिफिक नहीं था। इन्होंने रिलीजन का एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करना प्रारंभ किया और इन्होंने जो भी स्टडी किया उसके संदर्भ में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में इन्होंने लिखने का प्रयास किया कि धर्म का उद्भव कैसे होता, राइट। और इसी में इन्होंने कल्चर की भी एक बहुत विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की है जिसको हम लोगों ने कल्चर वाले टॉपिक के अंतर्गत किया है। और इसी में ये कि धर्म आत्मा में विश्वास है या स्पिरिट में विश्वास है, बिलीफ इन सोल और स्पिरिट। ईवी टाइलर जो हैं इस कंसेप्ट को कि आदिम समाज के लोगों ने क्यों आत्मा में या स्पिरिट में विश्वास करना प्रारंभ किया, इसके संदर्भ में दो चीज़ें कहते हैं, ध्यान ये रखना। ईवी टाइलर का ये जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में ये कहते हैं कि आदिम समाज के लोगों ने जो आत्मा में विश्वास करना प्रारंभ किया उसके लिए दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो स्वप्न और दूसरी मृत्यु, ड्रीम एंड डेथ। ये टाइलर कहते हैं कि आदि मानव ने स्वप्न में कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त किया स्वप्न के माध्यम से। और क्या एक्सपीरियंस प्राप्त किया स्वप्न के माध्यम से, तो ये कह रहे हैं कि आदि मानव स्वप्न देखता है, ड्रीम देखता है। तो ड्रीम में वह देखता है कि वह अपने पूर्वजों से मिलता है, उससे बात करता है या कुछ ऐसी एक्सपीरियंस प्राप्त करता है जो उसके वास्तविक जीवन में नहीं है, है ना। हम सभी भी देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वप्न नहीं देखा होगा, राइट। साइकोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन बहुत जटिल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वप्न नहीं देखा होगा, क्या। और कई बार स्वप्न जब हम देखते हैं तो लगता है कि रियल दुनिया में है, है ना, एकदम लगता है कि मतलब सारा चीज़ हमारे साथ गुजर रहा। कई बार आप स्वप्न में खुशी भी मनाते हैं, कई बार रोने लगते हैं, कई बार मर भी जाते हैं, है ना। तो टाइलर कह रहे हैं कि जो आदि मानव था वो स्वप्न में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस देखता है, स्वप्न के माध्यम से कई प्रकार के एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। तो जो स्वप्न देखता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है, जब होश में वो आता है, नींद खुलती है, तब वो सोचना प्रारंभ करता है कि आखिर हम कैसे अपने पूर्वजों के साथ मिल रहे हैं, हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके आधार पर वो एक कंसेप्ट डेवलप करता है कि कोई ऐसा चीज़ होगा हमारे बॉडी में जो शरीर से बाहर निकल कर जाता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस प्राप्त करता है और फिर शरीर में वापस आ जाता है, राइट। दूसरा टाइलर कह रहे हैं कि आदि मानव ने मृत्यु से भी एक्सपीरियंस प्राप्त किया, राइट। आदि मानव देखता है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो उस बॉडी की गतिविधियां समाप्त हो जाती है। नींद में भी जब हम रहते हैं तो कुछ देर तक लगता है कि सोए हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, है ना, लेकिन जब मृत्यु होती है तो पूरी एक्टिविटी समाप्त हो जाती है। तो टाइलर कहते हैं कि जब भी समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो
तो इस मृत्यु के एक्सपीरियंस से भी आदि मानव यह सोचना प्रारंभ करता है कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर से बाहर निकल गई और व्यक्ति का डेथ हो गया, राइट? और वो बाहर निकल गई फिर वापस नहीं आ रही है। देखो, अभी मृत्यु का जो कारण है, एग्जैक्ट कारण मृत्यु का नहीं पता है। दुनिया में मृत्यु किस कारण से होती है, क्या मृत्यु के समय कुछ ऐसा चीज है जो बाहर निकलता है, ये पता नहीं है। इस पर रिसर्च चल रहा है ना। जैसे एक टॉपिक है हम लोग का ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो उससे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि कई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है एजिंग के संदर्भ में, बुढ़ापा के संदर्भ में, राइट? एजिंग मृत्यु की ओर ले जाता है, एजिंग की जो प्रक्रिया है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन एग्जैक्टली मृत्यु किस कारण से हो रही है, इसके बारे में अभी साइंस, एग्जैक्ट साइंस के पास जानकारी नहीं। टायलर कह रहे हैं कि जब मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी में एक्टिविटी समाप्त हो जाती है और आदि मानव कुछ दिन उसका वेट करता है कि उसका जो आत्मा शरीर से बाहर निकला है वापस आ जाए, लेकिन जब नहीं आता है तो ये दो तरह का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से आदि मानव दो तरह के सोल की परिकल्पना करता है। यहाँ वो परिकल्पना करता है कि दो तरह का सोल है, एक सोल जो है वो फ्री सोल है, जिसको हिंदी में आप लिखेंगे मुक्त आत्मा, और दूसरा सोल जो है वो है शारीरिक आत्मा, बॉडी सोल। राइट? वो आदि मानव जब स्वप्न देखता है और उसमें विभिन्न प्रकार का एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, तो वह सोचता है कि ऐसा कोई आत्मा है हमारे शरीर में, ऐसा कोई चीज है जो शरीर से बाहर जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। ये फ्री सोल है, शरीर से बाहर जा सकता है, एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकता है और वापस आ सकता है। और दूसरा जो सोल है, जो बॉडी सोल है, जो एक बार शरीर से बाहर निकलेगा तो वापस नहीं आएगा, और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये टायलर ने परिकल्पना की है, हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया है कि ऐसा आदि मानव के जीवन में हुआ होगा। और फिर टायलर इन दोनों के लिए प्रमाण देते हैं कि ये जो फ्री सोल है और ये जो बॉडी सोल है, इस तरह की अवधारणा कुछ जनजातीय समाजों में देखने को मिलती है, जो कि आपको लिखना भी होगा इसकी व्याख्या में। और इसमें इंडिया से भी दो जनजाति है, एक है टोडा जो तमिलनाडु के नीलगिरी में रहती है, और दूसरा हो जनजाति है जो बिहार झारखंड में रहती है। तो टोडा जनजाति और हो जनजाति, इन दोनों में दो तरह के मृतक संस्कार है, ध्यान ये रखना। इन दोनों में दो तरह के मृतक संस्कार है। ये जो मृतक संस्कार है इसको एक तो हरि संस्कार कहते हैं, हरि संस्कार, और दूसरा सुखी संस्कार कहते हैं, ग्रीन एंड ड्राई, राइट? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। टायलर ने 1871 ईस्वी में ऐसी परिकल्पना की। और टोडा जनजाति में कोई व्यक्ति अगर मृत्यु किसी की होती है तो डेड बॉडी को 3 दिन 4 दिन तक
डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, राइट वो वेट करते हैं कि जो मुक्त आत्मा है कहीं उसके शरीर से बाहर गया होगा तो वापस आएगा। तीन दिन, दो दिन, तीन दिन, वो वापस आएगा। होम में भी ऐसा करते हैं, राइट और स्मेल भी नहीं करता है। एक इंग्लिश मीडियम वाले क्लास में हो ट्राइब के स्टूडेंट हमारे हैं, तो मैं ये पढ़ा रहा था रिलीजन, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि एक रूम में हम लोग रख देते हैं और बॉडी में को साफ सुथरा करके उसमें कुछ चीज़ हम लोग मेडिसिनल चीज़ लगाते हैं बॉडी में, और बॉडी स्मेल नहीं करता और सारे लोग वेट करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि डेथ जो हुआ है, चूँकि आदिम समाज में देखो कि डेथ का जो कारण है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, है ना। आधुनिक समाज में डॉक्टर बॉडी को डेड बॉडी घोषित करता है तो देखता है कि इसके कई ऐसे ऑर्गन हैं जो फंक्शन नहीं कर रहा। आदिम समाज में तो ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था, तो ये दोनों में पहले जैसे ही बॉडी का एक्टिविटी समाप्त होगा तो हरि संस्कार करेंगे, यानी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, और बाद में जब देखेंगे कि वो वापस अब नहीं आ रहा तो फिर बॉडी को अपने मृतक संस्कार के अनुरूप डिस्ट्रॉय कर देंगे। टाइलर कह रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है मुक्त आत्मा और शारीरिक आत्मा का, ये कंसेप्ट आदिम समाज में था, क्योंकि जनजातीय समाज में भी दो तरह के संस्कार दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए टाइलर कहते हैं कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है ये आत्मावाद है। अब देखो, ऐसा कई बार जो चीज़ होती है कि मॉडर्न सोसाइटी में भी आप देखो कि कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने किसी को डेड डिक्लेयर कर दिया और फिर जो है वो जीवित हो जाता है, है ना। तो कई बार आदमी बेहोश हो जाता है किसी कारण से। एक चीज़ और एग्जांपल देखोगे, हमारे अपने समाज में अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करती हो तो पहले जो सर्प काटता था किसी को, सांप, है ना, स्नेक, तो उस डेड बॉडी को हम लोग के बिहार में, है ना, केला का थंब जो है काट करके और उस पर उस डेड बॉडी को बांध करके और नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था, है ना, गंगा नदी, है ना, गंगा नदी। चूँकि मेरा घर गंगा नदी के किनारे है तो वहाँ पर मैंने देखा है बचपन में कि अगर किसी को सांप काट लिया और सांप काटने के कारण उसकी मृत्यु हुई तो उसको लोग नहीं जलाते थे। और ऐसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे बात करते हैं कि किसी को सांप काटा था और उसको नदी में हमने प्रवाहित कर दिया और फिर वो जिंदा हो गया, राइट। तो चूंकि मृत्यु के बारे में एग्जैक्ट कारण जो सिंपल सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, उसमें नहीं दिखाई देती है, और इसलिए टाइलर जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं धर्म के उद्भव के संदर्भ में उसमें कुछ तो सच्चाई है, राइट। क्योंकि समाज में इस तरह के व्यवहार जो है ना, जो व्यवहार होते हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो एकदम से शून्य में नहीं है, उसका कोई भी आधार नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई उसका आधार है, राइट। इसलिए कभी कभार ऐसा होता होगा, है ना, आप नहीं बिलोंग करते, क्योंकि जब आप आदिम समाज में हैं, जब आप पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं बॉडी का, है ना, बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो गई और ख़त्म हो गई उसके बाद आपने कहा मृत्यु मान लिया। कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि किसी को जो है जलाने के लिए हम उस पर रखने जा रहे हैं और फिर उसमें
एक्टिविटी दिखाई दे रही है, इस तरह का भी चीज़ें लोग सुनने में आता है, राइट। लेकिन डॉक्टर वाला तो अभी रिसेंटली एक साल के भीतर में दिल्ली में ही घटना हुई थी कि डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि मैक्स हॉस्पिटल में कि डेथ हो गया और फिर वो जिंदा हो गया, राइट। तो यहाँ टाइलर इस अप्रोच के आधार पर आत्मावाद एनिमिज्म इज द अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन का सबसे प्रारंभिक फॉर्म है। फिर उद्विकासवाद में आपको तीन चीज़ को ध्यान में रखना है कि टाइलर कह रहे हैं कि सबसे पहले आत्मावाद का विकास हुआ, इसके बाद सोसाइटी जब डेवलप हुआ तो बहुदेववाद का डेवलपमेंट हुआ और सबसे लास्ट में एकेश्वरवाद का डेवलपमेंट हुआ, है ना। क्योंकि टाइलर जो हैं उद्विकासवादी मानव शास्त्री हैं, तो टाइलर कह रहे हैं कि जो धर्म का उद्विकास हो रहा ये एकरेखीय रूप में हो रहा, एकरेखीय दिशा में हो रहा, यानी कि सबसे पहले मानव समाज में आत्मावाद का विकास हुआ, उसके बाद बहुदेववाद का विकास हुआ और उसके बाद आपको एकेश्वरवाद का विकास हुआ। तो इन चीज़ों को टाइलर में लिखेंगे। इसके अलावा फिर आप टाइलर के आत्मावाद की आलोचना करेंगे, इसकी क्रिटिक्स लिखेंगे, है ना, क्या कमियां हैं। तो आलोचना में एक तो आपको ये लिखना है कि जैसे आरआर मेरठ हैं, तो आरआर मेरठ कह रहे हैं कि जीवित सत्तावाद एनिमेटिज्म धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है, आत्मावाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप नहीं है, राइट। ये भी इसकी एक आलोचना है। दूसरा, मैक्स मुलर ने विचार व्यक्त किया है कि प्रकृतिवाद, प्रकृति की पूजा धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है, आत्मावाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप नहीं है। तीसरी गंभीर आलोचना है टाइलर की कि टाइलर ने जो आदि मानव है उसको फिलोसफर बना दिया है, दार्शनिक बना दिया है। देखो, आदि मानव वास्तविक जीवन से सरोकार रखता था, रियल लाइफ जीता था। आदि मानव में इस तरह के दार्शनिक विचारधारा का विकास होना बहुत मुश्किल था, है ना। वो अपने जीवन की वास्तविकता के साथ समायोजन करता है, न कि इस तरह के हाई लेवल की फिलॉसफी का डेवलपमेंट आदि मानव करता है। चौथा, ब्रानिस्लाव मेलिनोवस्की जो हैं ये कहते हैं कि धर्म के उद्भव का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि धर्म समाज में क्या फंक्शन करता है, इसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, और इस तरह से आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष जो आप लिखेंगे उसमें पॉजिटिव लिखेंगे और ये लिखेंगे कि टाइलर का जो आत्मावाद है उसमें कुछ निश्चित सीमाएँ हैं, किंतु इन सीमाओं के बावजूद धर्म के अध्ययन में टाइलर की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइलर पहले मानव शास्त्री हैं जिन्होंने धर्म की मानव शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है। आप ऐसे निष्कर्ष लिख सकते हैं, राइट। अब आप लिखिए। क्या लिखिए? आत्मावाद है ना, यानी मिजम। प्रसिद्ध मानव शास्त्री
ई बी टायलर ने सर्वप्रथम धर्म की मानवशास्त्रीय व्याख्या अपनी प्रसिद्ध कृति प्रिमिटिव कल्चर ब्रैकेट में 1871 में प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि जीववाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। जीववाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। टायलर ने विचार व्यक्त किया कि आदि मानव में आत्मा अथवा जीव के प्रति विश्वास का विकास स्वप्न एवं मृत्यु की सार्थकता के कारण हुआ। क्योंकि आदि मानव स्वप्न में अपने पूर्वजों से मिलता था एवं विभिन्न प्रकार का अनुभव प्राप्त करता था। इसके कारण आदि मानव में इस प्रकार के विश्वास का विकास हुआ कि स्वप्न में कोई चीज शरीर से बाहर जाती है और वह विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर पुनः शरीर में वापस आ जाती है। इसी प्रकार समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आदि मानव ने यह महसूस किया कि शरीर से कोई वस्तु बाहर चली गई है जो वापस नहीं आएगी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जैसे नहीं वापस आएगा, ये उसको अनुभव होगा, पहले से नहीं पता है, इस एक्सपीरियंस से उसे अनुभव होगा। जैसे कोई व्यक्ति डेथ कर गया, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन,
उसके बॉडी में किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं रही, तो उसके अनुभव के आधार पर उसे लगा कि अब ये वापस नहीं आएगी। इस प्रकार स्वप्न एवं मृत्यु, हाँ इसी में स्वप्न एवं मृत्यु के आधार पर आदि मानव ने दो तरह की आत्मा की परिकल्पना की। स्वतंत्र अथवा मुक्त आत्मा, स्वतंत्र अथवा मुक्त आत्मा, स्वतंत्र अथवा मुक्त आत्मा एवं शारीरिक आत्मा स्वतंत्र आत्मा स्वप्न में शरीर से बाहर जाकर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त कर शरीर में वापस लौट आती है। जबकि शारीरिक आत्मा एक बार शरीर से बाहर निकल जाती है तो वह वापस नहीं आती है। इस प्रकार की अवधारणा की पुष्टि टायलर ने कुछ जनजातीय समाजों में दो प्रकार के मृतक संस्कार हरि संस्कार एवं सुखी संस्कार के प्रचलन के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार का संस्कार भारत में नीलगिरी के टोडा जनजाति एवं बिहार झारखंड के हो जनजाति में देखने को मिलता है इसके आधार पर टायलर ने विचार व्यक्त किया कि जीववाद अथवा आत्मावाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है।